नमस्ते, स्वागत है आपका। मेरा नाम अखिलेश है। इस वक्त मैं फतेहपुर बुजुर्ग गांव में हूँ। फतेहपुर बुजुर्ग गांव बिहार के वैशाली ज़िले में आता है। फतेहपुर बुजुर्ग गांव से ही चलकर एक क्रिकेटर ने आज इंडियन प्रीमियर लीग में जगह बनाई है। हम बात अनुनय सिंह की कर रहे हैं। फतेहपुर गाँव के अनुनय सिंह का चयन इंडियन प्रीमियर लीग के लिए हुआ है और इस बार अनुनय सिंह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते नजर आएंगे। अनुनय सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। तो आज हम उनके गांव में आए हैं और आज अनुनय सिंह की बात करेंगे। हमारे साथ अनुनय सिंह के चाचा विनोद सिंह जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि अनुनय सिंह का जो क्रिकेट का सफ़र था वो कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने इस गांव से चलकर आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स में अपनी जगह बनाई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अनुनय सिंह क्रिकेटर का जो आपके भतीजे हैं उनका चयन हुआ है राजस्थान रॉयल्स के लिए, कैसा लग रहा है परिवार के लिए? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। जी, कैसा रहा उनका जो शुरुआती सफ़र था क्रिकेट का, कैसा रहा, कब से उन्होंने शुरुआत की, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें दें। वो बच्चे से क्रिकेट का बहुत शौक था उसको, और वो जो है पटना में इसका प्रैक्टिस किया, उसके बाद जो है बॉम्बे गया, कुछ दिन गोरखपुर में खेला, और ये क्या बोलते हैं कौन रंजीत अथी में रंजीत ट्रॉफी उसमें भी मौका मिला। हाँ, फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रंजी ट्रॉफी, हाँ, उन्होंने खेला है, विजय हजारे ट्रॉफी का भी एक मैच खेला, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी उसका रहा। जी जी, जैसे यहाँ से गांव से ही शुरू किए तो क्या गांव में जिस समय रहते थे क्या क्रिकेट उस समय भी खेलते थे? हाँ हाँ, खेला है बच्चा सबके साथ है जो है वो, हाँ। वो काठ वाला बैट से जो है वो खेलता था। तो जैसे क्रिकेटिंग स्किल जो होती है उसको कब कब आपने पहचाना, जैसे लगा कि क्रिकेट के इनको निखारा जा सकता है, क्रिकेट के क्षेत्र में ये करियर बना सकते हैं? उनको जो है शौक तो पहले से था और गार्जियन भी उसमें सपोर्ट किया है, जम के सपोर्ट किया है। उनके फादर भी सपोर्ट किए हैं, चूँकि उनके फादर भी जो है नेशनल प्लेयर वॉलीबॉल और अति फुटबॉल का रह चुके हैं जी जी, इसलिए उनको जो है फादर के तरफ से सपोर्ट भी मिला और उनका अपना मेहनत लगन। तो जैसे गांव से निकलने के बाद क्या यहां से के बाद फिर वो दिल्ली गए या पटना गए कुछ? नहीं, पटना। हाँ, उसके बाद जो है पटना में जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट किया वहाँ कोच उच के द्वारा और खेलना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है कुछ दिन गोरखपुर में भी जो है वो मैंने खेले। अब जैसे जिस समय वो क्रिकेट खेलते थे उस समय बिहार में क्रिकेट को लेकर अनिश्चितता थी, बिहार रणजी टीम नहीं थी, तो एक ऐसा नहीं लगता था कि क्रिकेट के क्षेत्र में जा रहा है तो क्या सिक्योर है करियर इनका, क्रिकेट के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, ऐसा लगता था? क्योंकि बिहार क्रिकेट की उस समय स्थिति इस तरह की नहीं थी। नहीं थी। हाँ, तो ऐसा लगता था आप लोगों को कि इस क्षेत्र में जाना सही फैसला था उनका? बिल्कुल, अभी के अनुसार तो सही फैसला था। हाँ, अभी के हिसाब से बिल्कुल सही फैसला था। अच्छा, जब आपकी उनसे बातचीत होती होगी आईपीएल में जब चयन हुआ उनका तो क्या कैसा रिएक्शन था उनका? बहुत अच्छा, खुशी का माहौल था। हाँ। वो भी बहुत अपने आप को जो है खुशी महसूस कर रहा था, और गांव वाले भी जो है जवार में भी खुशी का माहौल है। अच्छा, जब गांव आना होता है, जैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, रणजी खेल चुके हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुके हैं जी, तो गांव में आते हैं तो क्रिकेट को लेकर बातें होती है, गांव के लोग मिलने आते हैं? हाँ, तो पूरा लड़का जो है उनसे यहाँ जो है आकर के मिलते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा बच्चों से लगाव भी है उनका, और उनका सहयोग भी जो है क्रिकेट के प्रति बच्चों के माने बच्चों के साथ ज़्यादा अति रहता है। क्रिकेट खेल नेशनल टीम के लिए चयन के क्रिकेटरों की इच्छा होती है तो इसको लेके कुछ बातचीत होती है, किस तरह से वो क्रिकेट को लेकर नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उम्मीद है कि जो वो खेलेगा भी और बहुत आईपीएल में भी बहुत अच्छा करेगा। आईपीएल को लेकर अगर मौका मिला खेलने का तो बहुत अच्छा करेगा वो। आईपीएल में लेकर जी। अब ताकत जो होती है गेंदबाजी उनकी ताकत है, रोहित शर्मा के खिलाफ उन्होंने ऑलराउंडर है। हाँ, ऑलराउंडर बल्लेबाजी भी करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के बारे में कहा जाता है कि ये युवाओं को मौका देती है, तो आपको लगता है कि इस बार उनको मौका मिलेगा? आईपीएल में किस तरह का प्रदर्शन होगा इसको कैसे देखते हैं आप, किस तरह से? बहुत अच्छा प्रदर्शन, अगर मौका मिला तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा वो, क्योंकि मेहनती है, बहुत मेहनत करता था वो, हम लोग देखे हैं। चाहे यहाँ भी दो चार दिन के लिए भी आता था तो जो है क्रिकेट में उसका अच्छा माने ये था, अनुनय सिंह को वर्ल्ड लेवल का वो जो है
प्लेयर होगा। तो अनुनय सिंह के चाचा जी का कहना है कि अनुनय जो हैं विश्व स्तरीय खिलाड़ी बने, टीम इंडिया में उनका चयन हो, ऐसा परिवार वालों की इच्छा है, ऐसा लोग भी देखना चाहते हैं। धन्यवाद।